गुंडे बदमाशों खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भले लोगों को गुंडा नहीं बनाया जाना चाहिए, बदमाशों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बदमाशों पर नजर नहीं जाती है और भले लोगों को अनावश्यक रूप से गुंडा बनाया जाता है, ये तो सरासर गलत है साहब। मिर्जापुर जिला सहारनपुर का मामला महमूद अली और उसके परिवार के लोगों को गैंगस्टर बना दिया गया, FIR दर्ज कर दी गई, विवेचना शुरू हो गई। महमूद अली भागा इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहा कि मुझे रिलीफ दिया जाए और मुझे गुंडा बनाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इस स्तर पर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। यहां के बाद सुप्रीम कोर्ट भागा। इसी दौरान विवेचना में जो पुलिस अधिकारी विवेचना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यह तो मामला झूठा है, कार्रवाई हो नहीं सकती है, न्यायालय में FIR दाखिल कर दी, सारा मामला बंद कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अब हम आर्डर क्या करें, पुलिस ने ही सारी कार्रवाई खत्म कर दी। मैं एक बात उठाना चाह रहा हूं, क्या हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे पाई और एक छोटे से दरोगा ने रिलीफ दे दिया, क्या दरोगा की पावर बड़ी थी? खैर, आखिर ऐसा क्या रहा कि कार्रवाई बंद कर दी? क्यों कर दी और क्यों कार्रवाई की शुरुआत की गई थी? क्यों गैंगस्टर लगाई गई थी? और जब लगाई गई थी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी यदि बदमाश है, और बदमाश नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों की गई? ऐसे क्या कारण थे कि वो कार्रवाई बंद कर दी, FIR लगा दी गई? हम आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहते हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला और एक दरोगा ने रिलीफ दे दिया, आखिर ऐसे क्या कारण रहे? दूसरा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो झूठी FIR दरोगा कर रहा है, उस दरोगा पर नजर नहीं गई? असली बदमाश तो वो दरोगा था जो झूठी FIR करके भले आदमी को गैंगस्टर बदमाश बना रहा था। आखिर वो बदमाश जो असली था, यानी जो दरोगा झूठे मुकदमे लिखा करके ब्लैकमेल कर रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे क्या कारण थे उस पर कोर्ट की नजर नहीं गई? प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।